बदरवास से भोपाल के लिए निकला बैजनाथ सिंह का काफिला। भाजपा छोड़कर कांग्रेस में ज्वाइन करने के लिए बैजनाथ सिंह का काफिला रवाना हुआ है। 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष कमला बैजनाथ सिंह यादव को पिछले 3 साल से भाजपा में उपेक्षा का शिकार हो रहे थे। सम्मान न मिलने के कारण सिंधी अनिष्ट बैजनाथ सिंह यादव आज भोपाल के इंदिरा गांधी भवन में हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस की शपथ ग्रहण करेंगे। इसे कहीं न कहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारी नुकसान भी हो सकता है। साथ ही साथ में कोलारस विधानसभा के वर्तमान विधायक वीरेंद्र रघुवंशी के ये सबसे करीबी माने जाते हैं। अगर ये सरकार की योजनाओं से नाखुश है तो कहीं ना कहीं ये वीरेंद्र रघुवंशी से भी नाखुश होंगे। बदरवास से रामजी लाल बाबा की रिपोर्ट। भाजपा को छोड़कर आज कांग्रेस में प्रस्थान कर रहे हैं, उसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण ये है कि मैंने अभी 2 साल में उनका कार्यकाल देखा है, वहाँ मान सम्मान कुछ नहीं है और इतना भ्रष्टाचार बढ़ चुका है कि कोई भी आदमी का अपना काम करा है तो बिना पैसे के कोई काम नहीं करा है। तो काफ़ी ऊब चुकी थी, इसलिए हमने आज इस्तीफा दे दिया था और आज जॉइन करने जा रहे हैं काम। जब आपने कांग्रेस छोड़ी थी 2020 में, तब आप कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष थे, उस टाइम जिला पंचायत अध्यक्ष भी थे। आज एक कार्यकर्ता के तौर पर कांग्रेस में जा रहा है, आपको कैसा लगेगा? नहीं, क्यों नहीं लगेगा, ये तो पूरी जिंदगी का है। मेरे पिताजी कांग्रेस में रहे, मेरी पूरी जिंदगी कांग्रेस में हो गई। मैं तो कांग्रेस का सदस्य रहा, मतलब एक तरह से पदाधिकारी भी रहा 23 से, और हमेशा मैं कांग्रेस का कुछ ना कुछ मुझे प्रदेश महामंत्री, जिला कांग्रेस का अध्यक्ष सब मिलते रहे मुझे। आप अभी तक राजनीति में रहे हैं तो सिंधिया परिवार के साथ रहे हैं, तो क्या सिंधिया परिवार का साथ छोड़ेंगे? नहीं, सिंधिया जी के साथ था, सिंधिया जी जब कांग्रेस में था, अब वो भाजपा चले गए और हमको मतलब एक अशुद्ध जैसा लग रहा है, हम कांग्रेस में जा रहे हैं।